Madam, we demand a JPC in this matter. Yes. BJP के नेताओं से मैं कहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. जेपीसी लागू कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी, जिन पे देश ने भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी के जेब, सॉरी डबल ए के जेब में, डबल ए के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले, पूरे के पूरे प्रोसीजर को नष्ट किया, बाईपास किया. डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने इतराज किया. एचएल के वर्कर से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर फ्रांस की एक कंपनी को दिया गया. तो मैडम, हम चाहते हैं कि जेपीसी लागू होए और जो सच्चाई देश सुनना चाहती है वो देश के सामने आए. कौन किस पे दोष उठा रहा है ये देश की, मुझे तो समझ में नहीं आता सोच. इतना बड़ा मूर्ख स्टेट में इतना गैर जिम्मेदार वाला वक्तव्य देने की हिम्मत इनको कैसे होती है? इसलिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ जो भी बोल दो कुछ नहीं होता. लोगों को अकाउंटेबल करना होना पड़ेगा. एक इतने पुराने पार्टी का प्रेसिडेंट इस तरह का गैर जिम्मेदार वक्तव्य दे के कुछ ना हो, ये बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए. मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट पांचों बिंदुओं पे बहुत खुलासा करने जा रहा हूँ. मैं काउंटर क्वेश्चन पूछना हूँ. किसी ने मिस्टर एंटनी से पूछा, रिकॉर्ड पे है, मेरे पास है वीडियो, कि आपने 126 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीदा? बोला, हमारे पास पैसा नहीं था. जब 18 फाइटर जेट्स खरीदने का पैसा नहीं था तो 126 का ग्लोबल टेंडर क्यों निकला? क्योंकि 126 का टेंडर निकलेगा उसमें मलाई खूब होगा. ये यदि 126 खरीदा जाता तो ये विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स डील होता, तो उसमें आप किकबैक समझिए कितना मिलता. तो ये लालच था, लाचर देश की सुरक्षा नहीं था. दूसरी बात कि जब आपके पास 18 का पैसा नहीं है तो 126 की आप बात क्यों कर रहे हैं? आपको झोपड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, आप 5-स्टार होटल खरीदने की बात कर रहे हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं कुदृष्टि थी, सोच कुछ और था. कमीशन खा जाओ, बाकी दूसरी सरकार झेलते रहे, पेमेंट हो डिफॉल्ट करते जाओ. ऐसे तो नहीं चलता है ना, हमारी छवि खराब होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. तो जहाँ तक, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यूज़र ने, यूज़र कौन है? इंडियन एयरफोर्स. एयर चीफ ने कहा, मुझे 2 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए रफाल का. एक फाइटर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट्स होते हैं, तो 18 × 36, एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के लिए खिलाफ, एक चीन के खिलाफ, बस यही उन्होंने मांगा. और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा दृष्टिकोण से एक ही बास्केट में आप सब हथियार नहीं रख सकते, एक ही सोर्स से नहीं ले सकते. ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी. क्योंकि जब लड़ाई छिड़ती है और एक ही देश से आप एक ही इक्विपमेंट लेते हैं जो आपके इन्वेंट्री में है, तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता. ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है. और एक और चीज़, 126 क्वांटिटी खरीदने में, उसके डिलीवरी में जितना टाइम लगता, उसमें जो टेक्निकल अपग्रेडेशन होते एवरी 5 ईयर्स मिलिट्री इक्विपमेंट के फील्ड में अपग्रेडेशन होता है, उसको कौन एडजस्ट करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? तो अब बात आती है कि इतना, दूसरा आपका प्रश्न था कि इतना डिले क्यों हुआ और अभी तक क्यों नहीं हुआ. मैं काउंटर क्वेश्चन फिर पूछता हूँ, ग्लोबल टेंडर कब निकला था? 2008 में यूपीए सरकार ने कहा था खरीदने की जरूरत है, 2001 में. 2014 तक क्या किया? 12.5 साल क्या किया? जब जनवरी 2012 में 11 डिक्लेयर कर दिया आपने रफाल को, तब सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया? वो क्या बात थी जिसके कारण सप्लाई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूं. तो वो जो खुद दोषी है दूसरों पे अंगड़ी उठा रहा है. और ये तो 2020 तक काफी एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएगा. वो जो काम 12.5 साल में नहीं कर पाए, ये सरकार 2-2.5 साल में कर देगी. तो कौन बेहतर है? जनवरी 2012 में बेंगलुरु एयर शो के बाद मिस्टर एरिक ट्रेपियर, जो CEO हैं रफाल के, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया?
कि हम 11 सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने हमें 11 घोषित कर दिया, लोएस्ट वन, 11 मतलब लोएस्ट वन, लोएस्ट बीडर हूँ मैं, हूँ सबसे कम दाम मेरा है, और हम रिलायंस डिफेंस को अपना ऑफसेट पार्टनर बनाने जा रहे हैं। 2012 में मोदी जी कहाँ थे? अभी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले चेयरमैन HAL ने क्या कहा कि हम ऑफसेट बिजनेस में नहीं हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम ऑफसेट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफसेट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, राहुल गांधी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? जिसको करना है वो बोलता है हम इस क्षेत्र में है ही नहीं, राहुल गांधी उस क्षेत्र में घुस रहे हैं। तीसरी चीज, ऑफसेट का जो भी MOU हुआ है उसमें क्या है, अक्टूबर 2019 तक ये रफाल को कहा गया है कि वो एज पर टर्म्स कंडीशंस कि वो अपना ऑफसेट पार्टनर का फैसला सरकार को दे, MOD को दे। अभी हम जनवरी 2019 में हैं, तो अभी से इस बात पे उछलने की क्या बात है? चौथी बात, टोटल वैल्यू है 59,000 करोड़ का, ये डील है 50% ऑफसेट में आना है, तो 29,000 समथिंग, कॉल इट 30,000। एरिक टेपियर ऑन द रिकॉर्ड कहे हैं कि रिलायंस डिफेंस को खाली 3% ऑफसेट का मिलेगा, 30,000 का 3% 900 करोड़। एरिक टेपियर बोलते 870 करोड़ रिलायंस डिफेंस को मिल रहा है, 30,000 करोड़ का क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि भला कर दिया अनिल अंबानी को। चौथी बात कि 100 कंपनी है जिसके साथ रफाल डील करने जा रहा है, अनिल अंबानी उसमें से एक है, उसमें HAL भी है जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाएगा, उसमें PSUs काफी हैं, तो खाली एक कंपनी का प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है जिसको खाली 3% मिल रहा है, जो 97% जिन कंपनी को जा रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो कौन लोग हैं जिनको 97% ऑर्डर मिलने जा रहा है ऑफसेट का? तो ये इस तरह का जो वक्तव्य देना कि गुमराह खाली करना देश को कि हम न्यूज में बने रहें, हम मिट्टी फेंकते रहें और यहाँ की पब्लिक अंधी है, कुछ समझेगी नहीं, मान जाएगी मेरी बात। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो जो बोल रहा हूँ, किसी को पॉलिटिकल पार्टी को, किसी बंदे को हिम्मत है तो उससे साक्षात करें इस विषय पे, मैं तैयार हूँ और आप ऑर्गेनाइज कीजिए। किसी को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को हिम्मत है तो मेरे से इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हो जाए।